उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं यूज़ की टीम। लेकिन दोस्तों अभी अभी ऊपर आया था दाना डालने, तो देखा है कि भाई यहाँ पे रात बारिश हो चुकी है। दिखाते हैं आपको भी, अब बारिश हो गई तो मौसम भी खुलना शुरू हो जाएगा। आपको पता है जो विंडोज़ पे प्लास्टिक वगैरह लगाया है वो भी उतर जाएगा, उसके बाद धूपें अब परफेक्ट जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएंगी। तो दिखाते हैं, थोड़ी बहुत ही हुई है, इतनी ज़्यादा तो हुई नहीं है बारिश, लेकिन बहरहाल मौसम तब्दील होना शुरू हो गया और परिंदे भी अब थोड़े से जो है ना और तरह से इंजॉय करेंगे। इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है, देखें ये हमारी गाड़ी के ऊपर भी थोड़ा सा पानी है, वो सामने लेंटर डलना था उनकी बजरी आई है, ये देखिए बजरी भी अब प्रॉपर गीली नज़र आ रही है। अभी भी बादल वगैरह हैं और ये फिर जो है ना बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अभी मैंने भी ऑफिस जाना है लेकिन बूंदाबांदी हो रही है। चले ये तो देखते हैं कि क्या सीन बनता है। ये देखिए अभी परिंदे कुछ उड़ भी रहे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बूंदाबांदी हो रही है, तो थोड़ा सा मुश्किल है अभी जो है विंडोज़ से वो प्लास्टिक वगैरह उतारना, ताकि थोड़ा सा जो है ना हफ्ता डेढ़ हफ्ता दो हफ्ते का थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही मौसम खुलेगा फिर विंडोज़ से इंशाल्लाह प्लास्टिक भी उतारेंगे। जुड़े ने जो थे ना यहाँ पेंडे उतार दिए थे, नया जुड़ा था, इसकी माती गोल्डन आपको पता नहीं कि थी 4 नंबर वाली पत्नी उसके साथ लगाई है। तो अब ये इसे साइडों पर ईंटे वगैरह लगा दिए। वैसे तो इसका खाना जहाँ पर इसने अंडा उतराया उसके बिल्कुल ही नीचे था, लेकिन अब चूँकि इसने ऊपर उतार दिया तो इसके साइड पे ईंटे लगा दिए। ये देखिए ये दाना भी आ गया, आपको पता ब्रीडर कबूतरों के लिए मोटा दाना ही सूट करता है। पिछली दफ़ा छोटा भाई लाया था तो वो नॉर्मल दाना जो मिक्स हुआ वो मिलता है कबूतरों वाला वो ले आया था, तो कबूतरों ने इतने ज़्यादा अच्छे जो है ना शौक से खाया नहीं वो दाना, तो इस दफ़ा फिर मैं खुद गया हूँ। ये देखिए दाना ले, ये देखिए कबूतर भी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं दाने का। चले कबूतरों को दाना डालते हैं और फिर आपको मजीद वीडियो आगे कंटिन्यू करके दिखाते हैं। ले जी दोस्तों कबूतरों को गया दाना डाल और ये देखिए नीचे आना शुरू हो गए हैं बारी बारी। सारे कबूतर जो है ना ये देखिए नीचे आना शुरू हो गए हैं। असल में कबूतर भी लग रहे हैं भूखे, जिसकी वजह से दाना आते ही नीचे पहुंचे हैं कबूतर सारे। अभी मुझे पता है 2-4 कबूतर ऐसे होंगे सिलेक्टिव वाले जो कि नीचे नहीं उतरेंगे, जिनमें मेरा ज़ीरा जोड़ा होगा, उसके अलावा नीले शोल्डर वाली मादी होगी, डब वाली मादी होगी। जीरी मादी वैसे मुझे नीचे ही कहीं पर आ गई थी। अच्छा वो अपने अंडे की तरफ जा रही है और वो सामने टेढ़ा मादी ने फिर से अंडा उतार लिया। देखें माशाल्लाह से इनका पिछला बच्चा अभी पूरा पलता नहीं है, फिर से अंडा उतार लेती है मादी। इतनी अच्छी ब्रीड चल रही है इसकी। ये देखिए दाना वगैरह खा रहे हैं। ये सामने ऊपर काबक के ऊपर सेंटर में मादी बैठी है, जिसने जा कबूतर के साथ ये ऊपर जो है ना अंडा उतार दिया। ले जी किसी प्यारे से परिंदे का आपको शौक भी करवाना है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा किस परिंदे का आपको शौक करवाया जाए। पता है हर परिंदा एक से बढ़कर एक अपनी पहचान रखता है। असल में मैं एक जीरे कबूतर का आपको शौक करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे अक्सर ही हाथ में नहीं आता, बंदा क्या करे। और अक्सर ही कोशिश होती है कि मैं आप दोस्तों को उस कबूतर का शौक करवाऊँ। मैंने बच्चा पकड़ा था 4-4 पार का, वगा हुआ था फुल बच्चा हो, लेकिन भैया मुझे मौका ही नहीं मिलता वो पकड़ के आपको दोबारा दिखा सकूँ। मैं कैमरे को लगाते हैं ना स्टैंड पे, फिर देखते हैं अब कोई परिंदा आता है नहीं आता हाथ। नहीं जी ये लग गया कैमरा स्टैंड पे और मैं तो परिंदा पकड़ के लाता हूँ और फिर आपको कंटिन्यू करके दिखाते हैं वीडियो को। नहीं जी पकड़ने तो गया था कोई और मादी, 8 नंबर पकड़ने गया था, लेकिन ये टेढ़े मादी मेरे हाथ लग गई है। आपको उम्मीद है इस मादी की बैकग्राउंड का भी पता होगा मादी कैसे आई थी। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। असल में मेरे पास ना एक लक्का नर था तो मुझे उसके लिए ना मादी चाहिए। मैं ओलेक्स पे सर्च कर रहा तो एक घर पे ना मॉडल टाउन एस ब्लॉक एक्सटेंशन के अंदर मुझे ना लक्के कबूतर मिल गए। तो मैं जब उनके घर पे गया ना तो वो तकरीबन एक नाल का उनका जो था ना वो पोर्शन था, पोर्शन क्या घर पूरा ही था, तो उसके ऊपर छत के ऊपर उन्होंने कबूतर रखे हुए। तो जब वो कबूतर वगैरह मैंने देखे ना तो उन्होंने, अब मैं ऊपर गया ना जब तो छत से अंदाज़ा हो गया कि भाई इसमें उड़ने वाले कबूतर भी आए होंगे। तो ये मादी ना इसका एक पर बंधा हुआ था, ये देखें कच्चे परों में थी मादी, एक पर बंधा हुआ था, ये पर टेढ़े हुए तब से इसके।
तो वहाँ से मैंने ये मादी निकाली उड़ने वाली लके कबूतरों के अंदर से, बड़ी अच्छी मादी थी, प्रॉपर बैलेंस में जैसे कहते हैं ना मादी है माशाल्लाह से। उसके बाद फिर इसका बच्चा एक उड़ाया भी मैंने, बड़ा अच्छा हमारे पास उड़ता था, बड़ी सैनफ का मालिक था बच्चा माशाल्लाह से। फिर वायरस में मर गया बच्चा, फिर इसके दो बच्चे निकले हुए, एक बाहर ऊपर बैठा हुआ है, एक और है छोटा। देखिए इसके पर कुंदे और बगल का चढ़ाव चेक कर लें, कितना ज़बरदस्त है ये देखें। दूसरा दिखाऊंगा नहीं, ये देखें इसके यहाँ पे पैर टेढ़े हैं, तो प्रॉपर बगल का चढ़ाव का पता नहीं चलेगा। दुम चेक करें कितनी बैलेंस में, जोर लगाने के बावजूद वो ये एक पत्ता दुम ऊपर नीचे कर दिए माथे। और ये 33 नंबर कड़ी थी, जिसकी भी थी उसी की है, मेरी नहीं है। कुछ पंजा में मादी मादी को छोड़ते हैं, देखिए ये गई मादी, वो ऊपर पहुंच गई, बैठक चेक करें मादी की। ले जी दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह एक और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और टाइमली आप मेरी वीडियोज़ को देख सकें। अल्लाह हाफिज़।